यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। धर्मशाला कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कैबिनेट मंत्री किशन कपूर की ओर से किया गया दुर्व्यवहार उनके लिए अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसी का प्रमाण है कि बीजेपी के ही घटक संगठन अखिल विद्यार्थी परिषद की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। नौबत यहां तक आ गई कि उनके पुतले तक जलाए जा रहे हैं। ऐसा एक मामला राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूर्या में देखने को मिला, जहां विद्यार्थी परिषद ने नगरोटा सूर्या बस अड्डे पर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया। मंत्री के व्यवहार पर रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने परिषद के छात्रों से किया उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर मंत्री से मिलने जाते हैं और मंत्री महोदय उनकी मांगे सुनने की बजाय उन्हें झाड़ना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। छात्रों ने मंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय छात्रों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे अपराधी हैं। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि चुनावों में भी यही छात्र संघ काम करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री को या तो स्वयं त्याग पत्र देना चाहिए या मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो आपको बता दें एबीवीपी जो कि बीजेपी की ही इकाई है, अब कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी के मंत्री के खिलाफ गुस्सा उभर आया है। जी हाँ, किशन कपूर खाद्य मंत्री जिनके खिलाफ पुतला फूंका गया, मंत्री ने छात्रों से दुर्व्यवहार किया था। आपको बता दें अपनी मांगों को लेकर छात्र जो हैं नूरपुर के अपनी मांगों को लेकर मंत्री जी से मिलने गए थे, लेकिन मंत्री जी ने एक छात्रा को डांटते हुए ये कहा था कि सौभाग्यशाली हो जो मंत्री के साथ खड़ी हो, मंत्री के सामने खड़ी हो।